अलग ही उसे। बात ये जो आपने बोला आपने सुना होगा, रिसेंटली वी हैव चेंज्ड द एकेडमिक सेशन, तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, तो सबसे पहले विल बी कंसंट्रेटिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। सो आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि एग्जाम्स कब करेंगे आप। सी लेट मी स्पीक। पहले जब आपने बोला आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए था एग्जाम्स कब कर रहे हैं, तो आप सीधे पीछे एग्जाम्स के बगैर विंटर वेकेशंस पे मुझे नहीं लगता इस वक्त वी आर कंसंट्रेटिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म डेट शीट हम निकालने जा रहे हैं इंशाल्लाह, पहले हम एग्जाम्स कंक्लूड करेंगे, एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करेंगे, सो दैट आवर न्यू सेशन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एक्स्ट्रा। नए क्लासेस हम मतलब एडमिशन्स नए होंगे इन लेट दिसंबर में, तो पहला कंसंट्रेशन हमारा एग्जाम कंडक्ट करने को है, उसके बाद ही, अभी मौसम ठीक है, गॉड इज ग्रेट। तो बच्चे काफी परेशान है एग्जाम्स के रिलेटेड, क्या कुछ किस्म की सिलेबस में कुछ रियायत कुछ अगर आपने एग्जाम्स हमने वी हैव सबमिटेड अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। मुझे जो प्रपोजल जो मुझे लग रहा है सेकंड वीक ऑफ नवंबर से वी वांट टू कंक्लूड इट बिफोर 15th ऑफ दिसंबर, सो दैट बच्चे 20 दिसंबर के बाद अपनी नई क्लासिफिकेशन हम शुरू करेंगे, तो इसमें बच्चों को कोई फिक्र ये लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर अवेयर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट 90% सिलेबस इन अप टू 9th क्लास वी हैव कंप्लीटेड। बच्चों को परेशान होनी, दिस विल बी स्कूल बेस्ड एग्जाम्स, तो नथिंग टू वरी, क्योंकि टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि डोंट फील स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, दिस विल बी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स एंड दिस विल बी द कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नॉट कि वो हम पहले याद करते ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बच्चों को किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत है, चाइल्ड फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स। वो तो ऑर्डर आया है, वो तो मार्च में ही होगा, फरवरी के बाद ही होगा। ठीक सर, थैंक यू।